एपिसोड 35। अब्दुल वाहिद अहमद का हाथ पकड़कर उसे बाकी आदमियों से चंद कदम दूर ले गया और बोला, आपके खत के जवाब में मुझे खुद आना पड़ा और मैं एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आया हूँ। अहमद ने कहा, मैं इस खबर का उनवान आपके चेहरे पर पढ़ चुका हूँ। अब्दुल वाहिद ने कहा, उमर अल मुतवक्किल की वापसी के बाद अवाम तुलैतुला के मुस्तकबिल से मायूस हो गए थे। यहया के तरफदार इन हालात से फायदा उठाकर उन्हें गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं। दुश्मन की अफवाज शहर के करीब पहुंच चुकी है। अब संजीदा लोगों की अक्सरियत भी ये महसूस कर रही है कि हम लड़ाई हार चुके हैं और दूसरी बस्तियों और शहरों की तरह तुलैतुला को भी दुश्मनों के हाथों तबाह करवाने से ये बेहतर है कि यहया की हुकूमत तस्लीम कर ली जाए। बहुत से लोगों ने दरपर्दा यहया की बैत भी कर ली है। वो अफवाहें जिनका जिक्र आपने अपने खत में किया था कई दिनों से हर जगह फैलाई जा रही थीं और उनका नतीजा ये हुआ कि रजाकार अपने अपने मोर्चे खाली करके घरों में आ गए हैं। हमारे साथी मुर्सिया, करतबा और अशबीलिया वगैरह की तरफ हिजरत कर रहे हैं। वो जानते हैं कि यहया उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अशबीलिया जा रहा हूँ और यहाँ से 2 मंजिलों के फासले पर अपने बाल बच्चों को छोड़ आया हूँ। आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। 3-4 दिनों तक तुलैतुला का कोई गोशा आपके लिए महफूज नहीं होगा। डूबती हुई कश्ती में बैठने से कोई फायदा नहीं। तुलैतुला के रजाकार आपके साथ हैं। आप इन्हें मौका दें कि वो अपने बाल बच्चों को तबाही और बर्बादी से बचा सकें। अगर आप यहाँ डट जाएं, तो भी आप चंद दिनों से ज्यादा नसरानियों को नहीं रोक सकते। मैं आपकी बीवी को साथ ले आया हूँ। आप फौरन यहाँ से रवाना हो जाएं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने बेटों से ज्यादा अजीज हैं और अंदलुस को आपकी जरूरत है। अहमद फटी फटी निगाहों से अब्दुल वाहिद की तरफ देख रहा था। दरवाजे पर अब्दुल वाहिद के साथियों के गिर्द लोगों का हुजूम हो रहा था। थोड़ी देर बाद अब्दुल वाहिद और उसके साथी रवाना हो चुके थे और तुलैतुला के रजाकार अपने अपने घोड़ों पर जीने डाल रहे थे। अहमद जिरह पोश के करीब पहुंचा और उसके हाथ से घोड़े की बाग पकड़ते हुए बोला, ताहिरा, मैंने तुम्हें आहिनी नकाब में भी पहचान लिया था। ये पहला मौका था कि तुम्हारे शायर के पास तुम्हारे खैर मकदम के लिए अल्फाज भी न थे। ताहिरा ने खौत का नकाब अपने चेहरे से ऊपर उठा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक रजाकार अहमद के घोड़े पर जीन डालकर ले आया और उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, लीजिए, ये आपका घोड़ा है। अहले शहर नसरानी सालार के पास सुलह का वफ़ भेजने का मशवरा कर रहे हैं। आप फौरन यहाँ से रवाना हो जाएं। अहमद और ताहिरा घोड़े पर सवार हो गए। शहर से बाहर निकलकर ताहिरा ने मुड़कर देखा और कहा, आपको अब भी इस सुबह की आमद की उम्मीद है? अहमद ने जवाब दिया, वो सुबह ज़रूर आएगी। अब हमारी मंजिल कहाँ है? गरनाता, अहमद ने जवाब दिया। तारीकी फैलती गई। अल्फांसो ने एक भारी खराज के वादे पर यहया की मदद की थी और उसने तुलैतुला की हुकूमत पर कब्जा करते ही रियाया पर एक नाकाबिल बर्दाश्त टैक्स लगा दिया। उसके बावजूद वो खराज की रकम पूरी न कर सका। उसने जमानत के तौर पर अपने चंद और किले अल्फांसो के हवाले कर दिए। अल्फांसो के मुतालबात बढ़ते गए। यहया जिस कदर रुपया रियाया से वसूल करके उसकी नज़र करता था, उसी कदर अल्फांसो की हविस बढ़ती थी। यहाँ तक कि तुलैतुला के अवाम रोटी के टुकड़े तक के मोहताज हो गए। उन्होंने यहया की हुकूमत के मजालिम और लूट मार से आजिज आकर सरकस्ता, बलंसिया और मर्सिया वगैरह की तरफ हिजरत शुरू कर दी। आए दिन अंदलुस के मुसलमान ये सुनते थे कि यहया ने आज फलां किला, फलां शहर और फलां इलाका अल्फांसो के हवाले कर दिया। चंद महीनों में यहया की सल्तनत तुलैतुला और उसके मजाफात तक महदूद होकर रह गई, लेकिन मजीद रुपया वसूल करने के लिए अल्फांसो के तकाजों में कोई फर्क न आया। जब यहया ने कस्में खाकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए अहले तुलैतुला को इस कदर लूट चुका हूँ कि अब उनके पास एक कौड़ी भी नहीं रही, तो अल्फांसो ने तुलैतुला के मजाफात में दाखिल होकर लूट मार शुरू कर दी। दरअसल अल्फांसो जुनूब की तरफ पांव फैलाने के लिए तुलैतुला पर काबिज होना जरूरी समझता था। उसने यहया से वादा किया था कि अगर तुम तुलैतुला से दस्तबरदार हो जाओ तो मैं तुम्हें बलंसिया की हुकूमत पर काबिज होने के लिए मदद दूंगा।
यहया वैसे भी ये महसूस कर रहा था कि वो एक डूबती हुई कश्ती पर सवार है, चुनांचे उसने तुला तुला पर अल्फांसो का कब्जा तस्लीम कर लिया। 27 मुहर्रम 478 हिजरी के दिन तुला तुला के रहे सहे मुसलमान अल्फांसो को एक फातह की हैसियत से शहर में दाखिल होता देख रहे थे। किसी को अपने मुस्तकबिल के मुतालिक गलत फहमी न थी। उनके सामने गुलामी की जिंदगी या तर्क वतन के सिवा कोई रास्ता न था। तुले तुला का नसरानियों के कब्जे में चला जाना बाकी उन्दुलुस के मुसलमानों के लिए भी कम परेशानी का बाइस न था। अब तक दरियाए मागिस शिमाल के हमला आवरों और जुनूब की रियासतों के दरमियान एक कुदरती हद फासिल का काम देता था, लेकिन तुले तुला छिन जाने के बाद जुनूब के तमाम इलाके अल्फांसो के हमलों की जद में आ चुके थे। ताहम मुलूकुल तवाइफ की बेहिसी का ये आलम था कि उनमें से अक्सर ने तुले तुला की फतह पर अल्फांसो को मुबारकबाद के पैगाम भेजे। यहया अल-क़ादिर तुले तुला छोड़ने के बाद अल्फांसो के एक सिपह सालार की मदद से बलेंसिया पर काबिज हो गया और अहले बलेंसिया को भी अपने अंजाम के मुतालिक कोई गलत फहमी न रही। वो जानते थे कि यहया तुले तुला की तरह यहाँ भी अल्फांसो का रास्ता साफ करने के लिए आया है, लेकिन वो बेबस थे। अल्फांसो की फौज की मौजूदगी में उनके लिए यहया से निजात हासिल करना मुमकिन न था। हुर्रियत पसंदों के गिरोह ने बगावत की, लेकिन यहया ने कुस्तुला और लियून के ईसाई सिपाहियों की मदद से उन्हें कुचल कर रख दिया। उसके बाद बलेंसिया में भी तुला तुला की तारीख दोहराई जाने लगी। यहया को अल्फांसो की फौजी इयानत के लिए एक बड़ी रकम अदा करना पड़ती थी। वो चंद हफ्ते बलेंसिया को लूट लूट कर यह रकम पूरी करता रहा, लेकिन जब अहले बलेंसिया कलाश हो गए तो उसने लोगों की आराजियात जब्त करके ईसाइयों में तकसीम कर दी। इसी तरह बलेंसिया में अल्फांसो का हर सिपाही एक जागीरदार बन गया और मुसलमान मजदूरों गुलामों और काश्तकारों की हैसियत कबूल करने पर मजबूर हो गए। यहया अल-क़ादिर बराए नाम बलेंसिया का हुक्मरान था। ईसाई सिपाहियों को लूट मार और कत्ल व गारत की पूरी आज़ादी थी। बलेंसिया के चौराहों में मर्दों को कत्ल और औरतों की बेहुरमती की जाती थी। जो मुसलमान भागकर दूसरे इलाकों में पनाह लेने की कोशिश करते थे उन्हें गिरफ्तार करके कुत्तों के आगे डाल दिया जाता था। अहले कुस्तुला जिसे चाहते थे पकड़कर शराब के एक प्याले और रोटी या गोश्त के टुकड़े के एवज फरोख्त कर देते थे। जुनूब मगरिब में अल्फांसो की अफवाज तुले तुला के आस पास जमा हो रही थी और दरियाए मागिस से लेकर बालका तक मुसलमानों की तमाम रियासतों की आज़ादी खतरे में पड़ चुकी थी। बतलियूस अशबीलिया शरीश शल्ब वलिया और मरूदर के मुसलमान अपने मुस्तकबिल के उफुक पर मायूसी और बेहिसी की कई घटाएं देख रहे थे। दूसरी तरफ अल्फांसो की फौज बलेंसिया में अपने मुस्तकिर बना रही थी और बलेंसिया से लेकर मर्सिया अलमरिया गरनाता और करतबा तक तमाम मुसलमान ये महसूस कर रहे थे कि अल्फांसो की तलवार उनकी शहरक तक पहुंच चुकी है। उन्दुलुस का हर संजीदा आदमी ये महसूस कर रहा था कि वो दिन दूर नहीं जबकि नसरानियों के सैलाब की ये दो लहरें मशरक और मगरब में मज़ाहमत की हर दीवार को तोड़ती हुई जबल तारिक या मालका के आस पास एक दूसरे से आ मिलेंगी। अल्फांसो के एक सपह सालार जमी नेज ने बलसिया के जुनूब की तरफ पेश कदमी करके हसनुल्लैत पर कब्जा कर लिया। ये किला अपने महल वकू के एतबार से जुनूब मशरिकी उंदलुस के लिए बहुत अहमियत रखता था और उस पर काबिज होते ही नसरानियों ने मुर्सिया और अलमरिया के मुलहिका इलाकों में तबाही मचा दी। अल्फांसो की बाकायदा फौज के अलावा शिमाल के लुटेरों और डाकुओं की एक बड़ी तादाद इस इलाके में जमा हो चुकी थी। अल्फांसो एक फैसला कुन इकदाम से पहले मुसलमानों में दहशत फैलाना चाहता था। चुनांचे उसने जराइम पेशा लोगों को लूट मार और कत्ल व गारत की पूरी आज़ादी दे रखी थी। शिमाल में अल्फांसो के चंद दस्ते सरकस्ता पर हमला कर चुके थे। अब अंदलुस के मुलूकुल तवाइफ की आंखें खुल रही थी। अल्फांसो के चेहरे का नकाब उतर चुका था और उसकी दोस्ती पर भरोसा करने वाले हुक्मरान ये महसूस कर रहे थे कि वो अजदहा जो उन्होंने अपनी रियाया का खून चूस चूस कर पाला था खुद उनको निगलने के लिए मुंह खोल रहा है। हसनुल्लैत से जमीन नेस के एक नायब ने जुनूब मशरक की तरफ पेशकदमी की
اور راستے کی بستیوں اور شہروں کو تباہ کرتا ہوا غرناطا کے قریب قریہ نبار تک جا پہنچا۔ شمال کے شہروں اور بستیوں سے مسلمانوں کے قافلے جنوب کے شہروں اور بستیوں کی طرف رخ کر رہے تھے۔ ان کے پیچھے تباہی کی آگ تھی اور سامنے مایوسی کا اندھیرا تھا۔ اس آگ کے شعلے اب ان نام نہاد حکمرانوں کو بھی دکھائی دے رہے تھے جو برسوں سے اس کے لیے ایندھن مہیا کر رہے تھے۔ اب عوام کی طرح وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اندلس کے ایک شاعر نے یہ کہا تھا، اندلس کے مسلمانوں ہجرت کرو، اب یہاں رہنا جنون ہے۔ اور اب اس کی یہ آواز لاکھوں انسانوں کی آواز بن چکی تھی۔ طوائف الملوک کے دور میں اندلس کے مختلف علاقوں میں جو نئے نئے قسمت آزما پیدا ہو رہے تھے، ان میں سے ایک ابن رشیق بھی تھا۔ چند سال قبل ابن رشیق نے معتمد کے وزیر ابن عمار کو مرسیہ فتح کرنے میں مدد دی تھی۔ ابن عمار کے زوال کے بعد وہ مرسیہ میں معتمد کا نائب مقرر ہوا، اور پھر جب اہل اشبیلیہ پر الفانسو کا عطاب نازل ہوا تو ابن رشیق نے حالات سے فائدہ اٹھایا اور مرسیہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ جب بننسیہ اور قلعہ حسن اللیت میں جمع ہونے والی عیسائی افواج مرسیہ کی سرحدوں پر لوٹ مار کرنے لگیں تو اس نے انہیں رشوتیں اور تحائف دے کر ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ زیادہ دیر اس مصیبت کو نہیں روک سکتا۔ مرسیہ کی طرح المریہ کی سرحدوں پر بھی نصرانیوں کی لوٹ مار شروع ہو چکی تھی۔ المریہ کا امیر معتصم ایک نیک دل اور عادل حکمران تھا، اور اس کا علم اور زہد تقویٰ کے باعث المریہ کے باشندے اس کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب عیسائیوں نے المریہ کی سرحدوں پر لوٹ مار شروع کر دی تو وہ اپنی عمر میں پہلی بار قلم چھوڑ کر تلوار اٹھانے پر مجبور ہوا اور اپنی مٹھی بھر افواج کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ المریہ کی فوج کی قیادت ایک آزمودہ کار سپاہی کے ہاتھ میں تھی۔ ایک دن سرحد پر عیسائی حملہ آوروں کے ساتھ المریہ کی فوج کا سخت مورکہ ہوا۔ دوپہر کے قریب جب لڑائی ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور عیسائی میدان میں پسپائی اختیار کر رہے تھے تو اچانک حسن اللیت سے انہیں 200 تازہ دم سواروں کی کمک پہنچ گئی اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ سہ پہر کے وقت المریہ کے سپہ سالار کو ایک نصرانی سوار نے زخمی کر دیا اور فوج کے افسروں نے اسے ایک محافظ دستے کے ساتھ میدان جنگ سے باہر ایک ٹیلے پر پہنچا دیا۔ زخمی سپہ سالار مایوسی کی حالت میں ٹیلے پر بیٹھا جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی فوج چاروں اطراف سے مغلوب ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے محافظوں میں سے ایک سپاہی شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا، دیکھیے اس طرف سے دشمن کی فوج کے عقب میں ایک پہاڑ سے سواروں کا ایک دستہ میدان کا رخ کر رہا ہے۔ سپہ سالار اور اس کے محافظ کچھ دیر دم بخود کھڑے اس طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر سپہ سالار نے اپنے ایک افسر کی طرف دیکھا اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، فوج کو حکم دو کہ جنوب میں پہاڑ کی طرف سمٹ آئیں، ہو سکتا ہے یہ دستہ کسی بڑے لشکر کا ہرول ہو۔ افسر بھاگتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا اور اس کا حکم سنتے ہی المریہ کی فوج جنوب کی ایک بلند پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر میں وہ سوار جنہیں المریہ کے سپہ سالار نے عیسائی سمجھا تھا دشمن کے عقب میں پہنچ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے تعاقب میں حصہ لینے کے بجائے دشمن پر حملہ کر دیا۔ ان سواروں کی تعداد 100 سے زیادہ نہ تھی، لیکن نصرانی ان کے غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے آن کی آن میں 150 عیسائی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ کوئی 20 سوار عیسائیوں کی فوج کو قلب سے چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور المریہ کے سواروں کے ساتھ آ ملے۔ ایک سپاہی جو ابلق گھوڑے پر سوار تھا ان سرفروشوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی سوار دو ٹولیوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے بائیں اور دائیں بازو پر ٹوٹ پڑے۔ المریہ کے سپاہیوں نے اسے ایک تائید غیبی سمجھا اور وہ دوبارہ جم کر لڑنے لگے۔ ایک ساعت کے بعد جنگ کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا اور نصرانی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ سپہ سالار جو تھوڑی دیر قبل اپنے زخمیوں کے باعث کراہ رہا تھا اب جوش مسرت سے نعرے لگا رہا تھا۔ اب لگ گھوڑے کا سوار اور اس کے ساتھی دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ جب وہ واپس آئے سورج غروب ہو رہا تھا۔ سپہ سالار انہیں دیکھتے ہی اپنے زخموں سے بے پرواہ ہو کر بھاگتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا اور اس نے ابلق گھوڑے کے سوار کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، نوجوان
मैंने सुना है कि जब अल्लाह के बंदे किसी आजमाइश में पूरा उतरने के अहद कर लेते हैं तो खुदा उनकी इयानत के लिए आसमान से फरिश्तों का लश्कर भेज देता है। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? नौजवान ने घोड़े से कूदते हुए जवाब दिया, हम इस वक्त मुर्सिया से आ रहे हैं। सिपह सालार ने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, मुझे यकीन है कि खतरे के वक्त इब्ने रशीक हमारा साथ देगा। अहले गरनाता भी हमसे अलग थलग नहीं रह सकते, दुश्मन ने हम सबको सबक सिखा दिया है। नौजवान ने कहा, अहले गरनाता के मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, मुमकिन है कि दुश्मन के हमले ने हमारे हुक्मरान की आंखें खोल दी हों, लेकिन सरदस्त इब्ने रशीक से आप कोई उम्मीद न रखें। हम बुलंसिया से उसके पास आए थे और हमने दुश्मन के साथ जंग के लिए अपनी खिदमात पेश की थी, लेकिन इब्ने रशीक अभी तलवार उठाने के लिए तैयार नहीं। जब तक उसके दिल में मोतमिद की दुश्मनी का अंदेशा बाकी है, वो नसरानियों के खिलाफ किसी के साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं होगा। सिपह सालार ने कहा, तो आप बुलंसिया के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा घर गरनाता में है। आप बुलंसिया की फौज में मुलाजिम थे? नौजवान ने जवाब दिया, हम गरनाता के रजाकारों की उस जमात से मुताल्लिक रखते हैं जिन्होंने अंदलुस के मुसलमानों को मुदाफ़ाना जंग के लिए तैयार करने की मुहिम शुरू की थी। पेशकश रहबर टीम ने।